हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2014 की तमिल लैंग्वेज फैमिली ड्रामा फिल्म साइवम का, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया हुआ है पक पक पपा। फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन किया हुआ है एल विजय ने। फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे नजर, सारा अर्जुन और लुत्फुद्दीन बासा। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो त्वारा देसाई, सुरेश, सनमुग राजन, विद्या प्रदीप और जॉर्ज मारियम। साइवम फिल्म की कहानी की बात करें तो नजर, जो अपने गांव के वन ऑफ दी मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्संस में से एक है, जो अपने बेटे और पोती के साथ गांव में रह रहे हैं और इनके अलावा की बाकी की फैमिली सिटी में रह रही है। नजर के पास एक पालतू मुर्गा है, जो उनकी पोती का खास करके प्यारा मुर्गा है, जो उसे काफी पसंद करती है। पूरी फैमिली नजर को मिलने के लिए गांव में आने का प्लान बनाती है और नजर के साथ कुछ वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है। और फिल्म में उसी समय के दौरान जब पूरी फैमिली गांव में आती है, तब एक ट्विस्ट क्रिएट होता है। उस ट्विस्ट की वजह से उस फैमिली में काफी हड़बड़ाहट मच जाती है और काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और तभी गांव का एक पुजारी उनको सजेशन देता है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठान करा ले, और इस चीज में फैमिली को कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, वो है मुर्गा। यानी कि जो वो रिलीजियस रिचुअल्स करने वाले है, उसमें उनको अपने मुर्गे का बलिदान करना होता है। तो अब आगे फैमिली क्या करेगा अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, अपनी ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए? क्या वो अपने सबसे प्यारे मुर्गे का बलिदान करवा देगा? उनकी पोती का इस पे क्या रिएक्शन होगा? और इन सब के बाद नजर इन पूरी मैटर में कैसे फैसला लेंगे, यही सब बातें फिल्म की कहानी बनाती है। फिल्म के डायरेक्टर यानी कि एल विजय, जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है, उनका नरेशन बढ़िया था और साथ ही में जो इमोशनल सीन्स क्रिएट किए हुए, कुछ इमोशनल सीन्स काफी बढ़िया थे और कुछ में डेप्थ की कमी नजर आ रही थी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो टॉप नॉच पे थी। जिस तरह से फिल्म में गांव को क्रिएट करके दिखाया हुआ है, उसमें जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो शानदार है। फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात करें तो वो डिसेंट था, जिसमें आपको किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, जो अच्छे फ्लो में चलता रहता है। फिल्म का म्यूजिक अच्छा था, खास करके जो बैकग्राउंड म्यूजिक, जो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट किया हुआ था, वो सभी सीन को और भी बेटर बना रहा था। पक पक पपा यानी कि साइवम मूवी में आपको हाई नोट पे ट्रेडिशनल वैल्यू देखने को मिलेगी। जिस तरह से जॉइंट फैमिली में जो ट्रेडिशनल वैल्यूज होती है, जो गाँव की ट्रेडिशनल वैल्यूज है, किस तरह से जॉइंट फैमिली का कल्चर है, उन सभी चीजों को बढ़िया तरीके से हमारे सामने स्क्रीन में डायरेक्टर ने परोसा हुआ है। इस फिल्म में जो फैमिली की बॉन्डिंग रिलेशनशिप्स दिखाई हुई है, वो बढ़िया तरीके से शोकेस की हुई है। गांव की जो नेटिविटी होती है, विलेज का एटमॉस्फेयर होता है, और जो विलेज से दूर रहने वाले लोग होते हैं, उनका गांव के प्रति कैसा माइंडसेट है, वो सभी चीजें सुप्रीमली वेल तरीके से एग्जीक्यूट करके हमारे सामने दिखाई गई है। नजर अपना मैच्योर परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आते हैं। वो पूरी फिल्म को आसानी से पकड़ के रखते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो हमें पहले सीन से ही इम्प्रेस कर देते हैं। फिल्म में उनके उतने डायलॉग नहीं थे, फिर भी हमारा ध्यान उनकी तरफ वो अपने एक्सप्रेशन से खींच रहे थे। जब भी वो स्क्रीन में दिखाई देते तो स्क्रीन पे वो हमारा ध्यान आसानी से खींच लेते थे, और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशन डिलीवर किए हुए विदाउट डायलॉग, वो माइंड ब्लोइंग थे। और साथ ही में पूरी तरह से वो अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए नजर आते और अपना टैलेंट बखूबी वो हमारे सामने पूरी तरह से पेश करते हुए नजर आते। फिल्म में जिस छोटी लड़की का रोल प्ले किया हुआ है, उनका नाम है सारा अर्जुन, वो अपना रोल बढ़िया तरीके से निभाते हुए नजर आती है। जिस तरह से उन्होंने अपने वंडरफुल एक्सप्रेशन पूरी फिल्म में दिखाए हुए, वो हमें काफी हद तक क्यूट और जरूर पसंद आते हैं। फिल्म में आपको फैमिली और बच्चों के साथ कुछ कॉमेडी सीन क्रिएट करके दिखाए हुए, जो डिसेंट है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एंटरटेनिंग और इम्प्रेसिव है, जिसमें आपको काफी अच्छे फैमिली एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, और पूरा फर्स्ट हाफ आपको जरूर एंजॉय करेगा। इस फिल्म में आपको एनिमल को हार्म करने के ऊपर जो मैसेज क्रिएट करके दिखाया हुआ है, वो बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ है, उसको अच्छी गहराई के साथ समझाने की कोशिश की हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी बढ़िया डिसेंट है, अच्छा सेटअप किया हुआ था, लेकिन जैसे ही फिल्म का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है,
तो स्टार्ट के 15 मिनट खास करके 15 से 20 मिनट इतने डाउन चले जाते हैं जिसकी वजह से हम फिल्म से थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उस 15 से 20 मिनट में हमें काफी अननेसेसरी सीन्स क्रिएट होते हुए दिखते हैं जो पूरी फिल्म का फ्लो बिगाड़ते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा एक और बड़े ड्रॉबैक की बात करें तो फिल्म में हमें इमोशनल डेप्थ की कमी नजर आएगी, खास करके फिल्म के सेकंड हाफ में जहाँ पे कई सीन जिस तरह से इमोशन क्रिएट किए हुए उसमें उतनी डेप्थ नजर नहीं आती, जो बढ़िया तरीके से हमें कनेक्ट नहीं कर पाते। जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सभी सीन्स को क्रिएट किया हुआ है, उनके पास काफ़ी बढ़िया हद तक अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पे स्पेस थी कि वो उन सभी सीन को और भी बेटर तरीके से हमारे सामने पेश कर सके, लेकिन वो इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से चूक गए, खास करके फिल्म के सेकंड हाफ में। जैसे ही फिल्म का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है वहीं से फिल्म पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल हो जाती है और हम आसानी से फिल्म को प्रिडिक्ट कर पाते कि इसके बाद आगे क्या होने वाला है और फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होगा। ये मूवी खास करके कमर्शियल मूवी जिनको पसंद है, जिसमें उनको मसाला एलिमेंट्स पसंद आते, उन सभी व्यूअर्स के लिए फिल्म की पेस थोड़ी स्लो नजर आएगी क्योंकि इस फिल्म में ऐसा कुछ मसाला एलिमेंट ऐड नहीं किया हुआ है। तो मैं 2014 की तमिल लैंग्वेज फैमिली ड्रामा फिल्म साइवम यानी कि पक पक पपा को 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग देता हूँ। कुल मिला के कहे तो साइवम यानी कि पक पक पपा फिल्म एक सिंपल और डिसेंट फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, लेकिन इसमें आपको खास करके हाई नोट पे ट्रेडिशनल वैल्यूज देखने को मिलेगी और उसी के साथ जॉइंट फैमिली की वैल्यूज और जो कल्चर होता है, गांव का कल्चर होता है, जॉइंट फैमिली में रहने वालों के लोगों की जो बिहेवियर होता है, वो सभी चीज़ें वो बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश की हुई है। और इसके अलावा फिल्म का इंटरेस्टिंग फर्स्ट हाफ और साथ ही में नज़र का शानदार परफॉर्मेंस जो पूरी फिल्म को बढ़िया तरीके से पकड़ के रखता है। हाँ, फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा प्रिडिक्टेबल है और उसी के साथ इमोशनल सीन में गहराई की कमी नज़र आएगी, वो सभी चीज़ों को थोड़ा बहुत इग्नोर कर दोगे तो इस फिल्म में आपको बढ़िया सा रस्टिक विलेज ड्रामा देखने को मिलेगा और वो सभी चीज़ें काफ़ी टॉप नॉच पे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ दिखाई हुई है। अगर आपको ट्रेडिशनल वैल्यूज़ देखनी है और बढ़िया फैमिली ड्रामा देखना है तो ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो, आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। तो बस गाइस, आज के रिव्यू में इतना ही। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ये मूवी देखते हो तो मूवी देखने के बाद हमें कमेंट करना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और साउथ इंडियन मूवी का हिंदी रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। तो और भी ऐसे नए साउथ इंडियन मूवी के रिव्यू के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज़ की न्यूज़ के लिए, सभी प्रकार के साउथ इंडियन मूवीज़ के टेलीविजन प्रीमियर, यूट्यूब प्रीमियर के रिगार्डिंग कन्फर्म और ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।